हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिक किसके लिए 4F सीरीज के एलिमेंट्स को याद रखने का। कौन सा ट्रिक रहेगा इस बार, 4F सीरीज के एलिमेंट्स को कैसे याद रखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ थ्री स्टोरीज, विद द हेल्प ऑफ थ्री ट्रिक्स। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि कोई भी ट्रिक आपको अगर पसंद आ जाए और याद रह जाए, वो ही ट्रिक आपको यहाँ एलिमेंट्स को याद रखने में, एलिमेंट्स को फोर एवर याद रखने में जरूर हेल्प करने वाला है। ओके, सो एज यू नो फ्रेंड्स, 4F सीरीज के जो एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स 5F सीरीज के एलिमेंट्स को कहा जाता है, सॉरी यस 5F सीरीज को, और 4F सीरीज के एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइड्स कहते हैं, लेंथेनम सीरीज कह सकते हैं। चलिए, ऑल इन ऑल अगर हम बात करें लेंथेनम के अंदर, लेंथेनम सीरीज के अंदर हम कितने एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, कितने करेंगे भाई, 14 एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। लेंथेनम को छोड़ करके आगे वाले जो भी एलिमेंट होंगे जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम एंड पे एग्जिस्ट करते हैं, रखा जाता है। ये लेंथेनाइड्स जो एलिमेंट्स होते हैं कहाँ होते हैं, पीरियोडिक टेबल में होते हैं। पीरियोडिक टेबल में कौन से हिस्से में होता है, देखो भाई इधर क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। इस साइड क्या होता है, जस्ट इमेजिन करिए, पीरियोडिक टेबल में यहां पी ब्लॉक है और बीच में क्या रहते हैं, बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एंड द एंड टॉप पे नहीं, बॉटम वाले हिस्से के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं, देखो भाई सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 14 एलिमेंट होने चाहिए। 4F सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं, तो पहले इसको चेकआउट करते हैं कि ये है तो सही है, 14 एलिमेंट्स है या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 ल्यूटेटियम तक पहुंचते 14 एलिमेंट हो जाते हैं। ओके, चलिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, सीरियम, प्रेसडोमियम, सीरियम के बाद जो पी आर का सिंबलाइज हुआ है ये प्रेसडोमियम है। आगे है हमारे पास नियोडीमियम, प्रोमीथियम, पीएम का मतलब है प्रोमीथियम, एसएम का मतलब है समेरियम, ईयू का मतलब है यूरोपियम, ईयू का मतलब यूरोप से है ना, समझिए यूरोप, ईयू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे पास गैडोलियम, जीडी गैडोलियम हो जाता है। और उसके बाद हम अगर बात करें टीबी का मतलब, तो टीबी का मतलब टर्बियम से है, टीबी का मतलब टर्बियम से है। डीवाई का मतलब डीवाई, आप लोगों ने डिस्पर्शन वर्ड पढ़ा होगा, तो डिस्प्रोमियम है ना, डिस्पर्शन से शायद मिलता जुलता है, डिस्प्रोमियम डीवाई। एचओ का मतलब देखते से ही पता चलता है, होलियम है, क्या नाम है इसका, होलियम है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस ER का मतलब, वैसे ER का मतलब इरबियम से है, इरबियम है ना, ER का मतलब क्या हुआ, इरबियम से हुआ। TM, थ्यूलियम, TM का मतलब क्या हुआ, TM का मतलब क्या हुआ, थ्यूलियम। और YB का मतलब यटरबियम याद रखेंगे, यटरबियम। और LU का मतलब है यहाँ पे ल्यूटेडियम होता है। चलिए सारे मतलब मैंने बता दिए हैं, कुछ हो सकता है स्पेलिंग के अंदर बोलने में हल्का फुल्का इधर उधर हो गया होगा, बट जो कहने का मतलब जो था तो वो मैंने आपको अपनी तरफ से समझा दिया है। ओके, चलिए बात करते हैं जो मेन टॉपिक का है, जो जिसके लेकर के ये वीडियो बन रहा है। तो भाई देखते हैं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौट जाओ, क्या मतलब हुआ। देखो भाई कहानी में क्या है, सीने पर नदियां, ठीक है, नदियां है ना, नदियां मतलब ये थोड़ा सा अप टू द मार्क लेके गए हैं। नदियां कहाँ है, सीने पर है, ऐसे कोई सीने पर नदियां मतलब प्रेम इस तरह किस लेवल पे पहुंच चुका होगा, जब सोचने वाली बात है ना, प्रेम की नदियां है सीने पर नदियां। तो इस कहानी में चल रहा था कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो, लौट आओ, वापस आ जाओ। तो सीने पर नदियां, आप देख पा रहे होंगे सिंबल के सामने लिखे गए ये शब्द हैं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद, किसी का दिल गदगद होता है और किसी का गदागद होता है, दोनों ही बातें लिखी है ना, वो अपने हिसाब से अपसेट कर लेना। गदागद गदगद तब दिल हुआ
और तुम अब लौट आओ, वापस आ जाओ। बहुत ही गूढ़ बात कही गई है, बहुत ही रहस्यमय बात है, बहुत ही अप टू द मार्क बात बताई गई है ना। चलिए भाई, आपको हो सकता है ये वाली बात पसंद ना हो, है ना। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं तो उनको शायद ये चीजें अच्छी नहीं लगती हो। अब खैर, उनके लिए एक और कहानी है इसके अंदर, और ट्रिक बता रखा है। चलिए उसमें भी देखते हैं क्या है ना। सीरियम मतलब सीता, प्रेस्डोमियम प्रसाद, क्या नाम है, प्रसाद, ठीक है, प्रेस्डोमियम प्रसाद हो गया। अब देखो भाई, यहाँ पे एंड है ना, प्रसाद एंड पूनम, एंड एंडी एंड पूनम है ना, प्रोमिथियम है ना, प्रोमिथियम शर्मा शर्माई, यूरोपियम यूरोपियम, गैडोलियम गए है ना, गए थे है ना। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा कहाँ गए भाई, यूरोप गए। अब यूरोप गए, वहाँ वहाँ का एटमॉस्फेयर सेट नहीं आया, वहाँ का इन्वायरमेंट सेट नहीं आया, तो होगा क्या, जो भी खाया वो पचेगा नहीं। तो हुआ क्या बाद में, है ना, तभी डायरिया हुआ। तो वहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या डायरिया वाले, तभी डायरिया डीवाई डायरिया हुआ हुआ है ना, हो गया है, हुआ। और तुम यही लौट आओ, है ना, वापस आ जाओ, वहां से कह रहे हैं कोई, वहां से है ना, इंडिया से कह रहे हैं कि तुम्हें वहां प्रॉब्लम होने वाली है। यूरोप गए तो गए, वो तो ठीक है, लेकिन अब वापस वहां ज्यादा दिन नहीं रुकना है, वहां का माहौल ठीक नहीं है मान लो, तो आपको यहीं वापस लौट आना है। इस तरह से भी आप इन एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब भाई, यहां दोनों ही बातें हो सकती हैं, आप सूट आपको सूट नहीं करें, तो क्या तीसरे कोई ऐसा ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम इनको याद रख सकते हैं। अब थोड़ा ना इंजीनियर वाला फील आना चाहिए ना, कि आप में से बहुत सारे बच्चे इंजीनियर भी बनने वाले हैं। तो भाई देखो, किसी किसी का अगर केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट हो तो वो केमिकल इंजीनियर में भी बीटेक वगैरह करता है, तो वहाँ उसकी कहानी बता के रखी हुई है। अगर है ना, अगर वो बनता है तो क्या क्या होता है, इंजीनियर के साथ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो सबके साथ ही होती है ना। तो यहाँ पे भी इंजीनियर ने एक बड़े लेवल पर रिस्क ले रखा है, पीएम के साथ जा रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ। इंजीनियर कहाँ जाएगा, यूरोप जाएगा। खैर, यूरोप वाली बात ना यूरोपियम से ही हमें समझ में आनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। केमिकल इंजीनियर, भाई केमिस्ट्री को पढ़ने पर क्या बनेगा, बीटेक करेगा ना, तो क्या बनेगा, केमिकल इंजीनियर बनता है ना, जिसको हम सी, सी मतलब केमिकल, ई का मतलब यहाँ पे इंजीनियर से, तो सीरियम बन जाता है। केमिकल इंजीनियर पूरी है ना, प्रेस्डोमियम पूरी पूरी नींद में, भैया देखो इंजीनियर है, बहुत पढ़ाई करना बनता है उसको, पढ़ाई करेंगे तो नींद भी तो आएगी है ना, तो पढ़ाई कर इतनी कर रखी है कि अभी इसकी नींद पूरी ही नहीं हो रही है भाई। तो पूरी नींद में गया वो, किसके साथ जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर में, प्राइम मिनिस्टर है ना, पीएम के साथ जा रहा है। पीएम का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोमिथियम है ना, प्रोमिथियम, ठीक। के संग, अब भैया प्राइम मिनिस्टर के साथ ही जाएगा, संग मतलब साथ है ना, सिमोरियम है ना, यूरोप ले गए। अब मैंने वैसे इसको बताने की कोशिश की है, पीएम का जो सामान था, कुछ सामान कहाँ भेजना था, वो ऐसे भी समझ सकते हैं यूरोप में भेजना था है ना, यूरोपियन कंट्री में भेजना था। तो पीएम का जो सामान था नींद में, वो कहाँ लेके गया जाना है उसको, यूरोप लेके गया, चला गया, जाना था, जो भी समझिए, ठीक है, यूरोप ले गया। अब क्या हुआ, और तभी दिक्कत हुआ, दिक्कत हुआ या हुई, हुआ इसलिए लिखा है कि एचओ सिंबल है, तो हुआ याद रखना आसान हो जाएगा। किसको दिक्कत होगी, इंजीनियर को। इंजीनियर कौन सा है, केमिकल इंजीनियर है भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिकल इंजीनियर ही तो हुआ, तभी दिक्कत हुआ। अब क्या हुआ, केमिकल इंजीनियर, तुम यहाँ पे भी लुट गए, और जो दूसरे दोस्त है ना उसके, वो क्या कह रहे हैं, वहां तो गए और बाद में जो कुछ लेके वो कहाँ, केमिकल इंजीनियर गया था अपने साथ खुद का, और वो वहां लुट गया, तो उसके जो दोस्त है ना उसको छेड़ रहे हैं, ठीक है, वो उसको टीज कर रहे हैं कि तुम जहां कहीं भी जाते हो लुट ही जाते हो भाई, कैसे इंजीनियर हो तुम, वहां वहां मतलब है ना, यहां यहां वहां जैसे भी देख लेना आपने, यहां भी भाई, यट्रबियम से डिनोट करना है ये शब्द, लुट गए, ल्यूटेटियम। तो मुझे लगता है तीनों की तीनों कहानियां आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इनको कहानियों को, इस ट्रिक्स को, इन ट्रिक्स को आप याद रख सकते हैं, और ये बहुत हेल्प करेंगे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट, जब भी आप पढ़ेंगे उनके प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है जी। तो मुझे लगता है मैंने अपनी बात रख दी आपके सामने। इसके अलावा भी आपको कोई पसंद आए, कोई और आपके दिमाग के अंदर खुरापती दिमाग में कुछ ना कुछ बनता रहता है, अगर आपको
आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई कहानी बन सकती है, ट्रिक बन सकता है, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। विद दिस वर्ड्स थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।